मुजफ्फरपुर सांसद अजय निषाद ने लोकसभा में आज मुजफ्फरपुर बरौनी NH-28 को फोर लेन में तब्दील करने की मांग उठाई है। MP अजय निषाद ने लोकसभा में बताया कि उक्त NH केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र से गुजरती है और उक्त NH को फोर लेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी व क्षेत्र में विकास को भी गति मिलेगी। MP अजय निषाद ने लोकसभा में यह भी कहा कि उक्त मांग से सड़क परिवहन व राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी अवगत है तथा मुजफ्फरपुर की एक सभा में उन्होंने इसे फोर लेन में तब्दील करने की घोषणा भी की थी, लेकिन लंबे अरसे के बाद भी अब तक इसको लेकर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए हैं। MP अजय निषाद ने कहा कि इसको लेकर आम जनों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, इसलिए जनहित में NH-28 को फोर लेन में तब्दील करने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाए। श्री अजय निषाद जी, धन्यवाद। सभापति महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर से बरौनी तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 जो फोर लेन में तब्दील करने की आवश्यकता है, महोदय ये सड़क माननीय गृह मंत्री नित्यानंद राय जी और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस राजमार्ग के फोर लेन में तब्दील होने से उत्तर बिहार के लोगों को समग्र विकास को गति मिलेगी। उक्त राजमार्ग को फोर लेन में तब्दील करने से चिरपरिचित मांग जो माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से व्यक्तिगत तौर से भी अवगत है। माननीय मंत्री जी ने स्वयं मुजफ्फरपुर की एक सभा में मेरी मांग को मंच पर से हजारों लोग की उपस्थिति में इसको फोर लेन में तब्दील करने की घोषणा भी की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद इस सड़क में उठाए गए सकारात्मक कदम के चर्चा के अलावा भौतिक रूप से अभी तक कुछ काम होता नहीं दिख रहा है। ऐसे समय में जब माननीय मंत्री जी श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में हम सड़क के क्षेत्र में 20 कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं जिस पर पूरे देश को नाज हो रहा है, ऐसे में जमीन पर कोई कार्रवाई दिखाई नहीं दे रहा है जिससे आम जनों को आक्रोश है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि जनहित में यथाशीघ्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 को कार्यक्रम की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।